तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए। हर सरताज जिसके आगे सर झुकाए, धरती की जाती का लाल। डबल बजट पर बनने वाला है आरआरआर का सीक्वल। क्या श्रद्धा कपूर कर सकती हैं आरआरआर के सीक्वल में एंट्री? क्या फिल्म के सीक्वल के लिए डबल होने वाले हैं जूनियर एनटीआर के चार्जेस? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज, जहां रोज आपको मिलती है फिल्मी दुनिया से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कंट्रोवर्सीज और हॉट गॉसिप्स। और मैं हूं आज आपके साथ आपकी होस्ट कंपनी। साउथ इंडस्ट्री के टॉप रेटेड एक्टर जूनियर एनटीआर की सुपरहिट फिल्म आरआरआर का सीक्वल बनाए जाने की खबरें मार्केट में काफी ज्यादा जोर पकड़ रही है। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दशहरा के आसपास रिलीज किया जाएगा। वहीं खबरें आ रही है कि फिल्म के सीक्वल की शूटिंग भी साथ में ही शुरू हो चुकी है। R4 के पहले पार्ट में कोमाराम भीम और अरूरी सीताराम राजू के जीवन से जुड़ी एक फिक्शनल स्टोरी दिखाई जाएगी, जहां फिल्म के आखिर में आते आते दोनों अपने जीवन को किस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत से अपने देश को बचाने के लिए लगा देते हैं, ये सब दिखाया जाएगा। वहीं फिल्म की एंडिंग में धीरे धीरे लड़ाई होनी शुरू होगी। वहीं फिल्म के सीक्वल में इन दोनों के ही जीवन से जुड़ी एक सत्य घटना दिखाई जा सकती है। R4 में काफी ज्यादा हाई ऑक्टेन एक्शन सीन दिखाए जाने वाले हैं, जिसके लिए कड़ी मेहनत भी की जा रही है। वहीं खबरें आ रही हैं कि फिल्म में ही ऑक्टेन एक्शन सीन्स होने की वजह से फिल्म के सीक्वल का बजट पहले से डबल रखा गया है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री अपनी फिल्मों को सुपरहिट बनाने के लिए लोकेशन, थीम, प्रॉप्स में कभी भी कोई भी कमी उसी नहीं करती है, जिस वजह से ज्यादातर साउथ इंडस्ट्री की फिल्में हाई बजट पर ही रिलीज होती हैं। यही एक वजह मानी जा रही है कि R4 को भी हाई बजट बनाने की कोशिश की जा रही है। साउथ के सुपरस्टार प्रभास के साथ काम कर चुकी बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की सुपरहिट फिल्म साहो के बाद साउथ के डायरेक्टर्स के आगे श्रद्धा ने अपनी एक अलग ही इमेज क्रिएट कर ली है, जिसके बाद खबरें आ रही हैं कि R4 के डायरेक्टर अपनी फिल्म के लिए श्रद्धा को लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट कर सकते हैं। साथ ही R4 के हाई ऑक्टेन होने की वजह से फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। इस फिल्म के लिए जूनियर एनटीआर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। फिल्म के डायलॉग से लेकर एक्शन सीन्स के लिए वो हर तरीके से काफी मेहनत कर रहे हैं। उनका इस फिल्म में रामचरण से ज्यादा ऑन स्क्रीन टाइम भी हो सकता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि फिल्म के सीक्वल के लिए जूनियर एनटीआर डायरेक्टर से डबल चार्ज करने वाले हैं। उनकी डिमांड कितनी ज्यादा मानी जाती है या फिर कोई नेगोशिएशन किया जाता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल फिल्म से जुड़ी अपडेट्स में हमारे आज की वीडियो में।